नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं रोहित भार्गव न्यू अतुल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी के साथ। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने हेतु दोस्तों यहां पर एक घोषणा करी है और इस घोषणा के लिए काम की भी शुरुआत कर दी है कि मध्य प्रदेश के दोस्तों भोपाल में, जी हां, मध्य प्रदेश के भोपाल के बरखेड़ा नाथू में बनेगा दोस्तों स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। क्या बनने जा रहा है दोस्तों? स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। बात ऐसी दोस्तों, जैसा कि दोस्तों मध्य प्रदेश में करंट अफेयर से संबंधित जो भी अपडेट आता है दोस्तों, मैं आपको देने का प्रयास करता हूं कि भाई अगर ये प्रश्न परीक्षा में बन जाए, ठीक है, चाहे वो एमपीपीएससी हो या व्यापम की कोई एग्जाम हो, तो यहां पर दोस्तों मध्य प्रदेश के करंट अफेयर के क्वेश्चन हमको देखने को मिल जाते हैं। इसलिए दोस्तों हम जो भी अपडेट आता है देने का आपको पूरा प्रयास करते हैं। उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए कि मध्य प्रदेश में दोस्तों स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है। अब ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दोस्तों अंतरराष्ट्रीय स्तर का होगा, जिसमें दोस्तों अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम भी बनेगा, हॉकी को भी यहां पर बढ़ावा देने हेतु स्टेडियम बनेगा। चलिए समझते हैं क्या क्या प्रश्न बन सकता है, यहां से हम बात करेंगे। अगर मैं बात करूं भोपाल के बरखेड़ा नातू में बनेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इसमें इंटरनेशनल क्रिकेट, जी हाँ, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, 10,000 की क्षमता का फुटबॉल ग्राउंड और हॉकी मैदान, यानी क्रिकेट के लिए भी रहेगा यह स्टेडियम, आपका फुटबॉल के लिए भी रहेगा, साथ ही साथ मेरे दोस्त हॉकी के लिए भी रहेगा। अब ये घोषणा करने के साथ ही दोस्तों प्रथम चरण की दोस्तों राशि भी यहां पर दे दी जाती है और यहां पर पहले चरण के लिए 137 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल गई है। 2 साल में बनकर पूरा हो जाएगा। तो प्रश्न बन जाए भाई कि ये स्टेडियम कहां पर होगा, तो कहां पर? मध्य प्रदेश के भोपाल के बरखेड़ा नाथू में बनेगा। पूछे कि कैसा रहेगा, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम रहेगा, जिसकी 10,000 की क्षमता रहेगी। नीलवड़ के पास दोस्तों बरखेड़ा नाथू में 11 साल के बाद 0.43 एकड़ में, याद रखने वाली बात है, यहां पर समझने वाली जगह कितनी, 0.43 एकड़ में, 0.43 एकड़ में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है दोस्तों। इसमें एक इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, 10,000 दर्शकों की क्षमता के साथ एक फुटबॉल ग्राउंड और 4,000 की लोगों की क्षमता के 2 हॉकी मैदान बनाए जाएंगे। यह काम दोस्तों 3 चरणों में पूरा होगा। कितने दोस्तों? 3 चरणों में, ये याद रखने वाली बात है। और यहां पर दोस्तों विभाग है दोस्तों खेल और युवा कल्याण विभाग के द्वारा 137.60 करोड़ रुपए की राशि यहां पर जारी कर दी जाती है। इसमें कुल 200 करोड़ के शुरुआती बजट रखा गया। अब यहां पर दोस्तों एक प्रश्न बनने वाला है कि वर्तमान में दोस्तों खेल मंत्रालय के प्रभारी कौन है या खेल मंत्री कौन है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है दोस्तों। जानना चाहेंगे कि किससे बनता है ये उत्तर। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये 3 चरणों में होगा। अगर मैं बात करूं यहां पर दोस्तों, साथ ही साथ 3 चरण दोस्तों, एक तो दोस्तों स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्रॉस कंट्री फोर्स और यहां पर क्रिकेट स्टेडियम। अब यहां पर दोस्तों जो भी दोस्तों यहां से प्रश्न बनने वाले थे मैंने आपको सारे बता दिए यहां पर। तो दोस्तों भोपाल में बनेगा अंतरराष्ट्रीय स्तर का, आपको जवाब देना है कि वर्तमान में केंद्र में खेल मंत्रालय किसके पास है। और आप दोस्तों केंद्र के साथ साथ अगर मध्य प्रदेश का भी बता सको कि मध्य प्रदेश के खेल मंत्री कौन है, दोनों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी दोस्तों नई नई जानकारी जो आपको करंट अफेयर से संबंधित है, मैं पूरा का पूरा देने का आपको यहां पर प्रयास करूंगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।